देहरादून में मौसम में बदलाव आते ही सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इन दिनों रोज 2000 से 3000 ओपीडी चल रही हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां सामने आ रही हैं। हालांकि कुछ पुरानी बीमारी के मरीज भी आ रहे हैं। वहीं अस्पताल के MS यूसुफ रिजवी ने कहा कि कुछ ऐसे भी भाग हैं जिनमें कि डॉक्टर की कमी है। हालांकि लोक सेवा आयोग से अभी कुछ डॉक्टर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को मिले हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि बदलते मौसम के खान पान से हो रहे हैं। और देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। टेम्परेचर में काफ़ी वेरिएशन होता है। दिन में जैसे आप निकलोगे तो आपको लगेगा कि धूप है, गर्मी है, आपको लगेगा गर्मी आ गई है, और फिर एकदम से शाम को एकदम ठंडक हो जाती है। तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर क्लोदिंग, जो वेशभूषा, जो उनको कपड़े पहनने चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए, वो अवॉइड करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ठंडे पानी से नहाना शुरू कर देते हैं जो पहले गर्म पानी से नहाते थे, या कुछ गर्मियों के सेवन करने लग जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, आइसक्रीम वगैरह।